झारखंड कहे तो प्रकृति को पूजने वाला राज्य है। यहाँ हर दिन अपने स्तर पर लोग प्रकृति से जुड़े पेड़ पौधे पहाड़ मिट्टी नदी की पूजा करते हैं। पर धनबाद के बरवा अड्डा बड़ा जमुआ में मकर संक्रांति के दूसरे दिन लगने वाले खेलाई चंडी मेला का भी अपने आप में खास महत्व है। दूर दराज से लोग अपनी मन्नत पूरा होने पर यहाँ पर आकर भगवान खेलाई चंडी की पूजा करते हैं। साथ ही सिर पर मिट्टी उठाकर तालाब के मेंढ पर रखकर अपनी मन्नत पूरी होने पर भगवान का धन्यवाद करते हैं। इसको है कि रोग बिघनी अगर फोड़ा फुसड़ी अगर घाव खोस कहीं हो गया दाद हो गया दिनाय हो गया अगर नहीं अच्छा हो रहा है तो इसके लिए बाबा खेलाई चंडी जो है कि एकदम महत्व है। इसमें एकदम ठीक हो जाता है अच्छा होता है सबसे एकदम भलाई होता है मनोकामना जो है पूर्ण होता है। पूर्ण होने के बाद इसको प्रसादी चढ़ाया जाता है दक्षिणा चढ़ाया जाता है मिट्टी फेंकना होता है। जैसे साल का मानसिक कीजिए 5 साल 3 साल कितना भी करे अपना मनोकामना पूर्ण होने के बाद ये पूर्ण होता है। पहले तो जोहार, ये झारखंडी का सबसे बड़ा आस्था है कि यहाँ जो भी मनोकामना होता है सब पूरा हो जाता है। और जो शरीर में घाव वगैरह भी होता है तो एक मिट्टी फेंकने का प्रथा है, वो मिट्टी फेंकने से वो घाव और जो बीमारी होता है जिसको चरक या कुष्ठ या जो भी बोलते हैं वो भी ठीक होता है। और सबसे मज़ा आता है कि ये हम लोग का साल में एक बार होने वाला त्यौहार है और इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। खास बात ये है कि इस मेले में सभी समुदाय के लोग पहुंचते हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले भी लगाए जाते हैं तो स्थानीय दुकानदारों द्वारा गर्मा गर्म जलेबी बालूशाही लौंग लत्ता भी खूब बिकता है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो सर्दियों से लोग चर्म रोग से मुक्ति के लिए खेलाई चंडी भगवान की पूजा करते आ रहे हैं। मन्नत पूरी होने पर मिट्टी फेंकते हैं और पूजा कर दान करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।